जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित अमित भूषण, मेरे यूट्यूब चैनल श्री अक्षय ज्योतिष दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको हिंदू पंचांग के हिसाब से जो व्रत त्योहार आते हैं उन सब की जानकारी देता रहूंगा। आप ऐसे ही देखते रहिए मेरे चैनल को, ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। आज मैं आपके लिए विशेष जानकारी लेके आया हूं। आपने सुना होगा कि दिसंबर और जनवरी के जो दिसंबर का आधा महीना है उससे और जनवरी के आधे महीने तक आपने सुना होगा कि मलमास लग गए और इस समय में सभी शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। तो ये मलमास क्या है और हर वर्ष क्यों आता है ये मलमास का महीना, ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले अगर मेरे नए मित्रों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब नए मित्र है वो सब्सक्राइब करें और जो बेल का आइकन यानी घंटी का बटन है उसे अवश्य दबाएं, जिससे आगे जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप मेरा वीडियो देख सके। इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मित्रों, हर वर्ष अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 15 दिसंबर से प्रारंभ होकर और 14 जनवरी तक का जो समय है यानी अवधि है उसके अंदर मलमास रहते हैं। कभी कभार एक दिन आगे पीछे हो जाता है। ये अंतर लगभग 70 वर्ष के बाद आता है कि मकर संक्रांति कभी 15 जनवरी को होती है। तो इस एक मास की जो अवधि है उसे मलमास कहते हैं और इस समय के अंदर सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। शास्त्रों में सभी शुभ कार्यों को मनाही दी गई है कि ये कार्य नहीं करने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि ये मलमास है क्या चीज, वास्तव में क्या है कि दोस्तों इस अवधि के अंदर यानी इस समय के अंदर मूल नक्षत्र के अंदर सूर्य का प्रवेश होता है। मूल नक्षत्र है उसके अंदर सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं और आगे जब मीन राशि आती है तो उसी समय भी खर मास लग जाता है, उसी समय भी क्या है कि मलमास की संख्या दी गई है उस महीने को भी। तो इसके पीछे दो रीजन है कि या तो ये जो मूल नक्षत्र में सूर्य नारायण आते हैं तो इसे मूल से मलमास कह दिया गया है, लेकिन मुझे ये कुछ उचित नहीं लगता। मलमास का मतलब है कि दूषित महीना जिसके अंदर सभी शुभ कार्य वर्जित हो। तो इस अवधि में धनु राशि के अंदर यानी 15 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच का जो समय है उसके अंदर धनु राशि के अंदर सूर्य नारायण भगवान रहते हैं और आगे जो मीन की संक्रांति आती है उसके जो समय है अवधि है वो लगभग है 14 मार्च से और 13 अप्रैल के बीच की। तो ये जो दो महीने हैं इसके अंदर सभी शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। तो इस महीने को मलमास की संज्ञा दी गई है और जो दूसरा जो मार्च और अप्रैल के बीच में जो समय है उसको खर मास की संज्ञा दी गई है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है कि इसके अंदर शुभ कार्य नहीं होते, इसका रहस्य है दोस्तों कि सूर्य देव है उनको गुरु का शिष्य माना गया है, माना जाता है। इसलिए जब गुरु के घर में शिष्य आता है यानी गुरु का जो घर है उसके अंदर सूर्य आ जाते हैं यानी जो धनु राशि है और जो मीन राशि है उनका स्वामी गुरु है और उस राशि पे जब सूर्य आता है तो गुरु के घर में जब सूर्य आता है तो सूर्य देव अपने सब कार्य छोड़कर गुरु की सेवा में लग जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। इस कारण से क्या है कि सब शुभ कार्य धरे रह जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं सूर्य नारायण भगवान के कारण। दूसरा कारण यह है कि सूर्य के साथ कोई भी ग्रह आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है और गुरु भी एक तेज ग्रह है, गुरु सूर्य का प्रभाव कम कर देता है और सूर्य गुरु का प्रभाव कम कर देता है। तो विवाह के अंदर लड़के के लिए सूर्य बलवान होना जरूरी है और लड़की के लिए गुरु बलवान होना जरूरी है। इसी कारण क्या है कि विवाह आदि सभी कार्य वर्जित कर दिए जाते हैं क्योंकि सूर्य और गुरु हर शुभ कार्य में बलवान होना बहुत जरूरी है। ये जब बलि होते हैं तो सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस वर्ष
यानी 2018 और 19 के अंदर मलमास मार्ग शीर्ष शुक्ल नवमी रविवार दिनांक 16 दिसंबर 2018 को प्रातः है 9:09 पर सूर्य नारायण भगवान सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तो उसी समय यानी 9:09 पर मलमास प्रारंभ हो जाएगा और समाप्ति का समय पौष शुक्ल अष्टमी सोमवार दिनांक 14 जनवरी 2019 को सायं 7:52 पर सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो इसी समय मलमास का महीना है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या है कि रात्रि काल के अंदर संक्रांति का जो दान है, संक्रांति के निमित्त जो दान है, पुण्य काल है, वो नहीं किया जाता, इसलिए जो मकर संक्रांति है वो 15 जनवरी 2019 को मनाई जाएगी। तो साथियों, ये जो मलमास की अवधि है एक महीने की, इसके अंदर सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं, इसलिए कोई भी शुभ कार्य न करें। विवाह है, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत संस्कार, मुंडन संस्कार आदि जो नए कार्य प्रारंभ किए जाते हैं वो कोई कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मकर संक्रांति के बारे में राशि के हिसाब से कौन सा दान करना चाहिए, मकर संक्रांति के ऊपर क्या करना चाहिए जिससे पुण्य प्राप्त हो, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा, वो आगे के वीडियो में बताऊंगा। आप देखते रहिए मेरा चैनल। चलता हूं, फिर मिलूंगा नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, नमस्कार।